गुड मॉर्निंग फैम। सुबह के कुछ 5:30 बज रहे संडे पे। आज की सुबह बहुत बहुत अलग है क्योंकि आज हम लोग ये वाला नहीं ये पहन के जाएंगे। तो इसको निकाल देते। सो भाई लगभग ऑलमोस्ट 1 या 2 या 3 साल बाद ये राइड कर रहा हूँ मैं। फटाफट बाइक चालू करके मैं आपसे गोप्रो पे बात करता हूँ क्योंकि फिलहाल बहुत लेट हो रहा है। मॉर्निंग यूट्यूब। सो आज की राइड बहुत ही अलग है क्योंकि पहली बात तो हम लोग टेक्सटाइल गियर्स में हैं। आपको ज़्यादा फर्क शायद दिखेगा नहीं क्योंकि मेरे टेक्सटाइल गियर और मेरे रेस सूट का कलर सेम है, बट हम लोग आज टेक्सटाइल गियर में हैं। एंड हम संजू सर के साथ आज राइड कर रहे हैं, बट आज हम चारोटी नहीं कर रहे। चारोटी की हालत बहुत ख़राब है फिलहाल क्योंकि क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे। सो आई एम डूइंग दिस रूट आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग ऑन द बाइक स्पेशली। ऑलमोस्ट 2 या 3 साल हो चुके होंगे मुझे ये रूट करते हुए। एंड हम लोग जा रहे हैं लोनावला। ऑल राइट फैम, सो संजू सर हमें मिल चुके हैं। इज ऑन द S1000RR इन फ्रंट ऑफ अस। अभी बस इनको ही फॉलो करेंगे हम। थोड़ा सा लेट हो गया, यहाँ वहाँ गली मिस हो गई एक। शुरू हमारे संडे मॉर्निंग राइड। संजू सर ऑन हिज ब्यूटीफुल S1000RR। संजू सर के S1000 क्या बैकफायर मारती है यार, क्या बैकफायर मारती है। व्लॉग में आ गया तो नसीब होगा। ये लो, दैट ब्यूटी। संजू सर ने कहा था मेरे को कल पूरा मक्खन रास्ता है और पूरा खाली रहता है, पर ऐसा रहेगा मैंने सोचा नहीं था। काफी अनएक्सपेक्टेड है, बट प्रिटी गुड कंडीशन ऑफ द रोड्स। थोड़े थोड़े पैचेस है, ऑफ कोर्स यू नॉट गोइंग टू गेट परफेक्शन। एंड वी मेट अप विद द अदर बॉयज एज वेल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ऑल वेल, ऑल वेल। हाय आरिश। ऑल राइट, सो वीव कॉट अप विद द अदर टू बॉयज एज वेल। लोनावला का खाली ये इश्यू है कि आपको रूट बहुत जबरदस्त याद रखना पड़ता है। भाई इतनी खुलने मिलेगी ये सोचा नहीं था यार। That's an S1000RR action for you.
कान के पर्दे फट जाएंगे मेरे। आ जाना था तेरे को, आ जाना था मेरे भाई। Years के अंदर अंदर ये बिल्ड हुआ है, बट गॉड डैम टू गुड ब्रदर, टू गुड तूता तारा। आई स्वेर मैंने शायद चारोटी पैसे ना खींची हो। And the reason being, these roads are tarmac, they are damper. मतलब इसमें जो मजा आता है ना, जो ग्रिप मिलती है ना आपको, this is mental. And अभी तो खुला रास्ता शुरू नहीं हुआ है यार। Oh. This road is too dangerous. ये रास्ता खाली मिल गया ना तो I don't know सुपर बाइक्स क्या कर सकते हैं। संजू सर के पत्थर मेरे वाइजर पे लग रहे हैं। क्या रास्ता ये, मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया। Guys, this is mental. This is a lethal road. Sanjay sir bhi bol raha maza aaya. He knows what we did. Ye aise raste hai na bhaiyo, bas clutch pop karke wheel utha dene ka. Aise raste hai. क्या पटाके, क्या पटाके। गाइस सन देखो यार, ओ फक, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड फॉर अ ब्यूटीफुल डे। भाइयों इसलिए बोलता हूं, लाइफ चाहे कैसी भी चल रही हो बट यार भगवान को हर रोज शुक्रिया अदा कर दिया करो। ये जब देखते हैं ना हम, हमारे 390 वाले तो मजे उठा रहे हैं, जिधर भी स्पीड ब्रेक आ रहा है बाइक सीधी हवे में। सीरियसली होप ये हमारा गोप्रो कैप्चर कर रहा है।
संजू सर ने ग्रीन लाइट दे दिया कि भाई गो एंजॉय। तो आज हमने टेक्सटाइल इसलिए पहना भाइयों क्योंकि थोड़ी थोड़ी गर्मी भी निकल चुकी है ऑलरेडी एंड रेस सूट का वेदर नहीं है। कैसे लिया ये? तो इतने टाइम बाद मार रहे हो ना, सो यू आर स्टिल अनश्योर ऑफ द रोड्स एंड द कॉर्नर्स एंड ऑल दैट। थोड़ा एक बार कॉन्फिडेंट हो गए तो समझ में आ जाती है बात। ओ भाई ट्रैक्शन तोड़ रही है बाइक। ये रूट पे ना बेटे टायर्स की जरूरत है जो मैंने किया नहीं है। लॉल नजारे, लुक एट दैट व्यू। ओह गाइस आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। जस्ट टेक इन द व्यू द सेम वे आई एम। आई होप यू आर एंजॉय दिस। There's so much new learning to do. Where to dip the bike, where to cut gas, where to hold throttle. गार्ड सेक्शन शुरू हो जाएगा। अरे भाई फोन गिर गया उसका। ये गार्ड सेक्शन बहुत संभल के लेना पड़ता है क्योंकि इट्स जस्ट अ टू लेन रोड, सो इवन व्हेन यू मेक ओवरटेकिंग मैनूवर्स एंड स्टफ। यहाँ पे ना बाइक्स को तब मुश्किल हो जाती है जब गाड़ियाँ सामने होती है, बिकॉज द कार्स आर स्लो,
So we get screwed on the turn because we are taking it at the speed of the car. ये देखो अभी आगे बस होएगी और हमको ओवरटेक करना रहेगा तो हमारी तो फट जाती है पूरी। स्ट्रीट ट्रिपल वाले भाई भी रपा रहे एकदम, थोड़ा एक दो हफ्ते और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज बहुत स्टिफ हो बाइक पे। और भाइयों लोनावले के नजारे, लोनावले नहीं लोनावला के नजारे। खाई देखो, खाई देखो, ब्यूटी। तुम्हारे भाई ने वो लास्ट शूट किया था बारिश के मौसम में, जिसकी तुम रील्स देखते हो, वो यही सेक्शन था। To ride the bike on these roads, यार, what a treat. यहाँ पे थोड़ा आपको संभलना पड़ता है क्योंकि आपका जजमेंट आउट हो सकता है, तो थोड़ा आपको ब्यूटीफुल आपको फट से फ्लिक करनी पड़ती है बाइक। आराम से ही जाना पड़ता है यार। निकाल ले भाई, निकाल ले। लेट्स गो। बहुत बाप स्ट्रेच है ये, बहुत संभलना पड़ता भी है। स्टॉप लिया है, अंदर जाके थोड़ा ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करेंगे। बाइक्स पीछे लगा दिए एंड ज़बरदस्त भूख लगी है, ज़बरदस्त भूख लगी है। दोज आर द बॉयज एंड इवन मोर बाइक्स आउट हियर। वी गॉट सम जीएसएस, वी गॉट अ बूसा।